देखिए, हमारा जो शिश्न होता है यानी पेनिस, जितना हम सोचते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा लंबाई में बड़ा होता है, क्योंकि उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा तो हमारे बॉडी के अंदर होता है। और निश्चित ही आप में से बहुत लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जननांगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, अगर आप YouTube पर जानकारी ले रहे हो तो, क्योंकि YouTube पर मिसलीड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जो पूछोगे उसका जवाब ना देकर जो उन्हें पता है आधा अधूरा सा वही जानकारी आपको दे देंगे। इसीलिए आज हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी दे देंगे, जिससे आप कभी भी भटकोगे नहीं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जिससे हम प्रजनन करते हैं उसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं। इसमें सबसे पहले शामिल है हमारा शिश्न मतलब पीनिस, हमारा स्क्रोटम यानी वृषण, जब हम अंदर की ओर जाएंगे तो प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंस और काउपर्स ग्लैंड। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं अपने शिश्न यानी पीनिस के संरचना के बारे में कि हमारा पीनिस आखिर बना कैसे हुआ है। देखिए, ह्यूमन पीनिस एक सिलेंड्रिकल आकार में होता है जो कि 3 स्पॉन्जी टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे नीचे वाले लेयर को, जहां पर मैं अभी एरो से पॉइंट कर रहा हूं, इसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। इस वाले स्पॉन्जी टिश्यू के लेयर में ही हमारा यूरेथ्रा होता है, जहां से सीमन और यूरिन पास होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के पीछे की ओर पीनिस का बल्ब होता है जो कि हमारे पेल्विक फ्लोर के नीचे पेरिनियम से जुड़ा रहता है, और ये हमारे पीनिस को सपोर्ट करता है। और इसके ऊपर जो आप 2 लेयर देख रहे हैं हमारे पीनिस में, पीनिस के कोरोनल सेक्शन में, इन 2 लेयर को जो कि स्पॉन्जी टिश्यू के ही हैं, इन्हें कॉर्पस कैवर्नोसा कहा जाता है। ये 2 लेयर ही पीनिस को शेप देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगा कि जब मर्दों का पीनिस इरेक्ट होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तब इन्हीं 2 स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर ही ब्लड इतना ज्यादा भर जाता है कि पीनिस टाइट और पीनिस का गर्थ भी बढ़ जाता है। देखिए, हमारे ये जो 2 स्पॉन्जी टिश्यू के लेयर होते हैं, दरअसल ये हमारे पेल्विस के बोन से जाकर जुड़ जाते हैं, जिसे क्रूरा ऑफ पीनिस कहा जाता है। इसी की वजह से पीनिस इरेक्ट होते समय उसे सपोर्ट मिलता है। फिर उसके बाद इन 3 लेयर्स को अलग करने के लिए इन लेयर्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन की लेयर होती है और कुछ फैशिया की लेयर भी होती है, और इन सब के अंदर पीनिस में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी रहती है। मतलब इन्हीं मेम्ब्रेन्स और फेशिया के कारण ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स को सपोर्ट मिलता है। देखिए, हमारे ये जो 2 स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो हमारे पीनिस को इरेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं, इनके बीच में ब्लड की आर्टरी होती है जो कि पीनिस को इरेक्ट होते समय इसके अंदर ब्लड को पूल करते हैं, और हमारे पीनिस के ऊपर फेशिया की लेयर पर डीप डोर्सल वीन होता है जो कि पीनिस के नॉर्मल होने पर सारे ब्लड को दोबारा से पीनिस से ड्रेन आउट कर देता है। देखिए, हमारे शिश्न के ऊपर वाले हिस्से पर मतलब उसके आगे वाले हिस्से पर एक कैप जैसी संरचना होती है जिसे पीनिस ग्लैंड्स कहते हैं या ग्लैंड्स ऑफ पीनिस कहते हैं। ये जो ग्लैंड्स ऑफ पीनिस होता है, दरअसल ये हमारे पीनिस के कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही एक्सटेंशन होता है, यानी ये हमारे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ही भाग होता है जो कि आगे आकर चौड़ा हो जाता है, और इसी में ही हमारे यूरिन को पास करने के लिए यूरिनरी मिएटस भी होता है, जहां से यूरिन और सीमन दोनों ही बाहर निकलते हैं। और पीनिस ग्लैंड्स का फंक्शन हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसी के वजह से ही सीमेन वजाइना से बाहर नहीं निकल पाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। देखिए, उसके बाद हमारे पीनिस के ऊपर चमड़ी की एक लेयर होती है यानी स्किन की, जिसे फोरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। ये फोरस्किन हमारे पीनिस के ग्लैंड्स से एक फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है, जिसके वजह से ये जो हमारी फोरस्किन होती है वो हमारे पीनिस के ग्लैंड्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो सके। और चूंकि पीनिस के फोरस्किन में नर्व की सप्लाई भी होती है, इसीलिए फोरस्किन की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में मेल्स को प्लेजर भी महसूस होता है। यही फोरस्किन आगे चलकर नीचे की ओर स्क्रोटम तक एक्सटेंड हो जाता है, और आम बोलचाल की भाषा
में हम अंडकोश के नाम से भी जानते हैं इसे, इसके अंदर ही हमारे टेस्टिकल्स होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम केवल पेनिस के बेसिक एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं, अगले वीडियो में हम टेस्टिकल्स के बारे में जान लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से जान लेंगे, बहुत ही आसान सी भाषा में। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो,